मैं हूं शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल एंड लाइफ स्टाइल हिंदी तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि बढ़ती उम्र में अपनी स्किन की देखभाल कैसे की जाए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं स्किन केयर रूटीन स्टेप्स विथ हाइरोनिक एसिड रेंज बाई लॉरियल पैरिस इन प्रोडक्ट्स को आप अपनी डेली रूटीन में कैसे यूज़ कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं आप इनसे कितना बेनिफिट्स ले सकते हैं साथ ही साथ आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि अगर आपके फाइन लाइंस हैं छ्रियाँ हैं स्किन ग्लोई नहीं है या फिर आपके स्किन पर दाग धब्बे हैं तो इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके आप कैसे इनका अपने आई स्किन को ग्लोई बना सकती हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो अब सबसे पहले बात करते हैं कि हाइलोरॉनिक एसिड होता क्या है और ये हमारी स्किन केयर रूटीन में इतना जरूरी क्यों है तो हाइलोरोनिक एसिड नेचुरली हमारे स्किन में मौजूद होता है जिसकी वजह से वो मॉइस्चर को हमारे स्किन में लॉक करके रखता है हॉलोरोनिक एसिड जो है अपनी वजन से हजार गुना ज्यादा पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है इसी की वजह से हमारी स्किन में मॉइस्चर बना रहता है जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लोई दिखती है प्लम्पी दिखती है हाइड्रेटिंग दिखती है जल्दी से उस पर झुर्रियाँ नहीं आती है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ हाइलोरोनिक एसिड जो है कम होता जाता है और उसी का असर ये होता है कि हाइलोरोनिक एसिड कम होने की वजह से हमारी स्किन में फाइन लाइंस आ जाते हैं झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं स्किन जो है रूखी दिखाई देती है बेजाइन दिखाई देती है बढ़ती उम्र के साथ साथ जो हमारी स्किन पर जो सिम्टम्स आते हैं उनको दूर करने के लिए उनको काफ़ी हद तक कम करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने स्किन केयर रूटीन में हाइलोनिक एसिड को शामिल करें इसी वजह यही वजह है कि दुनिया भर के डर्माटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन में हाइरोनिक एसिड को शामिल करें तो हाइलोरनिक एसिड को आप कैसे पा सकते हैं इसको आसान कर दिया है लॉरियल पेरिस ने जिसने मार्केट में हाइलोरोनिक एसिड की पूरी रेंज निकाली है जिसको एक एक करके मैं आपको बताने वाली हूँ आगे इसमें सबसे पहले है उनका सबसे पॉपुलर सीरम जो है वन पॉइंट फाइव परसेंट हाइलोरॉनिक एसिड सीरम जो सभी स्किन टाइप के लिए सुटेबल है इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मेरी स्किन पर हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल पानी जैसा है बिल्कुल लाइट वेट फार्मूला है स्किन पर लगाते ही ये अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और नॉन स्टिकी है नॉन ग्रेसी है किसी भी तरह के स्किन टाइप के लिए ये परफेक्ट है और साथ ही साथ एल्कोहल फ्री है पैराबन फ्री है किसी तरह का कोई भी फ्रेग्रेंस इसमें नहीं यूज़ किया गया है यही वजह है कि ये इट इज़ द बेस्ट सीरम अवेलेबल इन द मार्केट नेक्स्ट इज प्लम्पिंग हाइलोरिक एसिड जल क्रीम ये उनका न्यू एडिशन है हाइलोरिक एसिड रेंज में इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो इसमें है माइक्रो हाइलोरिक एसिड जो डीपली स्किन में जाकर स्किन को हाइड्रेट करता है ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इस क्रीम को मार्केट में बाकी क्रीम से अलग बनाती है इसका टेक्स्चर एकदम जल जैसा है जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब होता है बिल्कुल नॉन स्टिकी है नॉन ऑयली है इसको लगाते ही ना स्किन में एक गजब का ग्लो ऐड होता है स्किन में प्यारी सी शाइन शाइन ऐड हो जाती है जिस आगे आप इसका रिजल्ट जब मैं अप्लाई करूँगी इसको एप्लीकेशन देखेंगे आप तो आपको खुद ही दिखाई देगा इसमें अब बात करते हैं इनके थर्ड प्रोडक्ट की वो है हाइलॉनिक एसिड फ्रेश मिक्स मास्क ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मास्क है ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आता है मार्केट में मैंने आज से पहले इस तरह का मास्क नहीं देखा है इस मास्क में ना दो कंपार्टमेंट दिए गए हैं अगर आप देखोगे ना तो इसमें सीरम अलग है और जो ड्राई शीट है ना वो अलग है ऐसा इसलिए रखा गया है कि जब भी आपको यूज़ करना है आप फ्रेश सीरम को ड्राई शीट की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं जिससे सीरम की फ्रेशनेस बनी रहती है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरम की जो गुडनेस है वो आप ले सकते हैं इसमें जो ड्राई शीट है वो नेचुरल एल्गी एक्सट्रैक्ट से बना है जो बहुत ही थिन होता है ये सारे सीरम को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है और स्किन पर ये बहुत ज़्यादा ब्रीथेबल और कंफर्टेबल लगता है तो चलिए कैसे इसको अप्लाई करना है मैं इसको दिखा देती हूँ तो सबसे पहले फेस को वॉश कर लीजिए इस सीरम को लगाने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि स्किन हल्की सी गिली होनी चाहिए आपकी इसका अप्लीकेशन और अच्छा होगा उस पर और सबसे पहले मैं हालेरोनिक एसिड सीरम के कुछ ड्रॉप्स अपने स्किन पर डाल रही हूँ इस तरह से आप सर्कुलर मोशन में ऐसे पूरे स्किन पर इस तरह से अप्लाई करें नेक एरिया को भी कवर करें आप हल्का हल्का थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि स्किन में एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा ग्लो ऐड हुआ है ये आप देख सकते हैं मेरी स्किन बिना मेकअप के ये आप देख सकते हैं कि कितनी हाइड्रेट ये स्किन दिखाई दे रही है इस सीरम को डेली आप टू टाइम यूज़ कीजिएगा जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सीरम के बाद मैं हाइलोरिक एसिड जेल क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही है मुझे इसकी बहुत ही छोटी सी अमाउंट लगती है तो मैंने आज भी बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में लिया है और पूरे फेस पर इसको इस तरह से अप्लाई कर लेना है इस पूरे प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन को ना मॉइस्चर सैंडविच कहते हैं जब हम एक ही इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो उसके मैक्सिमम जो बेनिफिट हैं वो हमें मिलते हैं और से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट मेरे स्किन पर इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं दिन में दो टाइम इसको आप यूज़ कर सकते हैं सभी स्किन टाइप के लिए ये सुटेबल है अब चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से शीट मास्क को अप्लाई करना है तो इसमें ना क्लियरली दो लाइन बनी हुई है वैसे शीट मास्क के पीछे भी आप देखेंगे ना तो इसके एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ना वो क्लियरली मेंशन है आप आराम से वहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पे जो दो लाइंस बनी है ना उसको इस तरह से फोल्ड करना है उसको फॉलो करते हुए और बस जो सीरम वाला पार्ट है उस साइड से आपको पुश करना है ड्राई शीट की तरफ तो 10-15 सेकेंड इस तरह से पुश कीजिए थोड़ी देर में क्या होगा कि सारा सीरम जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा ड्राई शीट की तरफ ये देखिए इधर सारा सीरम आ गया है अब आप, आप इसको ओपन कर लीजिए और जिस तरह से शीट मास्क यूज़ की जाती है उस तरह से यूज़ कीजिए बहुत ही थीन है ब्रिथेबल है ये आ, शीट मास्क तो बहुत ही कंफर्टेबल फील कराता है पंद्रह मिनट मैंने छोड़ दिया था और ये मैंने इसको निकाल दिया है आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है बचे हुए सीरम को इस तरह से स्किन में सर्कुलर मोशन में आप इस तरह से मसाज कर लीजिए और आप खुद ब खुद रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट इसका कितना अच्छा आया है हफ्ते में आप एक बार इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है तो उम्र के साथ साथ अगर आपकी स्किन पर झुर्रियाँ फाइल लाइंस या स्किन बेजान हो रही है रूखी हो रही है ग्लोई नहीं रह गई है तो आप इस हाइलोरिक एसिड रेंज को अपनी स्किन केयर रूटीन में ज़रूर शामिल करें ये सीरम दो साइजेस में अवेलेबल है एक फ़िफ्टीन एम है जो फ़ोर डबल नाइन का है और एक थर्टी एम है जो ट्रिपल नाइन का है क्रीम भी आपको दो साइजेस में मिल जाएंगी एक फ़िफ्टीन एम है जो फ़ोर डबल नाइन का मिलेगा और एक फिफ्टी एम है जो ट्रिपल नाइन की आपको मिल जाएंगी इसके साथ साथ अगर आपको ये शीट मास्क लेना है तो वो वन डबल नाइन में अवेलेबल है हफ्ते में एक या दो बार इसको आप ट्राई कर सकते हैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप चेक कर सकते हैं थैंक यू बाय